नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है कुवैत से। दरअसल दोस्तों, खबर ये है कि भारत के मजदूर कुवैत की एक बिल्डिंग में रह रहे थे, जो वहां पर आग लग गई है और आग लगने की वजह से करीब 49 ऐसे वर्कर्स हैं जिनकी दुखद मृत्यु हो गई है। उनमें से काफ़ी इंडियंस भी हैं और करीब 50 से ज़्यादा ऐसे वर्कर्स हैं जो घायल हो चुके हैं गंभीर रूप से। उनका इलाज चल रहा है और ऊपर वाले से हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वो सब स्वस्थ हो जाएं जल्दी से जल्दी, किसी भी तरह का उन्हें नुकसान ना हो। दोस्तों, समझते हैं कि ये आखिर ऐसा हुआ क्यों और फिर इसके बाद कुवैत ने कुछ एक्शन लिया भी या नहीं लिया, और इससे भारत के और कुवैत के रिलेशन आगे कैसे रहेंगे ये समझेंगे। और इस तरह की घटना ये पहली बार हुई है या यहाँ पर होती रहती है, ये भी समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कुवैत की एक बिल्डिंग के अंदर वहाँ पे करीब 160 लोग रह रहे थे उस बिल्डिंग में। वहाँ पे बिल्कुल भूसे की तरह लोगों को भर रखा था, ऐसा समझ लीजिए। सभी गाइडलाइंस का उन्होंने अनदेखी किया, ये सब वहाँ पर काम करते थे। तो वहाँ का जो कंपनी का मालिक थे और जो लोग सिक्योरिटी से थे, उन लोगों ने यहाँ पर सभी लोगों को भर कर रखा हुआ था और वो सब वहाँ पर रह रहे थे। और अचानक से किचन में आग लगती है और वो आग ऐसी फैलती है कि लोगों को अपनी चपेट पर ले लेती है, जिससे 49 लोग यानी कि 49 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और इस पे मोदी सरकार ने तुरंत एक्शन भी लिया है, एस जयशंकर ने भी अपना इस पे बयान दिया। और साथ ही साथ जो हमारे कीर्तिवर्धन जी नए मंत्री बने हुए हैं, इनको भेजा जा रहा है कुवैत में। मोदी जी ने ये डायरेक्शन दी है और अब ये कुवैत में जा रहे हैं। और उस घटना स्थल पर कुवैत के जो मंत्री हैं उन्होंने भी वहाँ पर विज़िट किया है और उन्होंने तुरंत आदेश ये दिया है कि जो भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं उनको सज़ा वहाँ पे मिलेगी। और हालांकि वहाँ पे जो कंपनी के मालिक थे उनको गिरफ़्तार कर लिया है और जो वहाँ पे प्यून थे, जो गार्ड थे, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब उनका ये कहना है कि इस तरह के जो भी आसपास एरिया में चीज़ें हो रही हैं, जो नियमों को अनदेखी कर रहे हैं, उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और वो कह रहे हैं हम करेंगे, ऐसा कुवैत के मंत्री ने बोला है और आदेश दिया है इसके जांच के लिए कि सभी जगह जांच कर लिए, कोई ऐसा तो नहीं है नियमों का उल्लंघन कर रहा है और लोगों को भूसे की तरह बिल्कुल भर रखा है। ये तो दोस्तों एक बात रही। तो क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है? दोस्तों, एक डेटा ऐसा सामने आया है जिससे ये पता लगता है कि ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि लोग वहाँ पे मर रहे हैं। दरअसल ये GCC कंट्रीज़ हैं, तो ये गल्फ़ कंट्रीज़ में ओमान आता है, UAE आता है, सऊदी अरब आता है, बहरीन आता है, कुवैत आता है, कतर आता है। तो ये जो देश हैं दोस्तों, यहाँ पर दो तरह के डेटा हैं। एक 2012 से लेकर 2018 के बीच का डेटा है, उसमें हमें देखने से ये पता लगता है कि करीब 24,500 इंडियन जो वर्कर्स हैं ये वहाँ पे मरे हैं। और दूसरा एक डेटा है वो 2016 से लेकर के इधर का है 2021 तक का, उसमें ये पता लगता है कि GCC कंट्रीज़ में भारत के 33,000 वर्कर्स की मृत्यु हुई है। और ये जो मृत्यु है ये ऐसा समझ लीजिए कि पर डे 10 वर्कर्स की मृत्यु है, ऐसा समझ लीजिए। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा दुखद है, क्योंकि यहाँ से लोग बड़ी उम्मीदों के साथ वहाँ जाते हैं कि हम जाएंगे वहाँ पर काम करेंगे, कुछ पैसे कमाएंगे, उसको भारत में भेजेंगे, जिससे उनके परिवार की अच्छे से खुशहाली से वो रह पाएंगे, इसलिए जाते हैं। दोस्तों, अगर हमें पता हो तो कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ ये आई थी कि भारत के जो रेमिटेंसेज हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, ये 125 बिलियन डॉलर के आसपास हैं। दोस्तों, ये तो एक अच्छी खबर है कि वहाँ से हमारे वर्कर्स पैसे भेजते हैं इंडिया में,
जो इंडिया में पैसे भेजते हैं उसी को रेमिटेंस बोलते हैं। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ उनकी जान की कीमत पे, वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो भारत सरकार को भी ऐसे कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे कि वहाँ के सरकारों के ऊपर दबाव बने और जो भी इस तरह की परेशानियाँ वहाँ पर दी जा रही हैं इंडियन वर्कर्स को, उनको वहाँ पर आरामदायक ज़िंदगी मिले। क्योंकि इंडियन वर्कर्स वहाँ जाकर मेहनत तो बहुत करते हैं और पैसे भी कमाते हैं, लेकिन इस तरह के जीवन भी जीते हैं, सोचे कितनी दुखद बात है। हालांकि अब GCC कंट्रीज़ के अलावा और भी जगह भारत के लिए रास्ते खुल गए हैं जहां पे इंडियन वर्कर्स जाके काम कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास एक एग्जांपल है इज़राइल का। इज़राइल में भारतीय वर्करों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, अब ये वहाँ भी जा सकते हैं। इज़राइल में इस तरह की परेशानियाँ नहीं आती हैं, वहाँ नियमों का अनदेखा नहीं किया जाता, वहाँ अच्छी लाइफ मिलती है। तो दोस्तों इससे ये जो भी चीज़ हुई है, इससे भारत और कुवैत के रिलेशन या जो भी GCC कंट्रीज़ हैं वो उनके साथ जो रिलेशन है उसमें भी खटास आ सकती है अगर भारतीय वर्कर्स की वहाँ पे सुरक्षा के साथ अनदेखी करी जाती है। ये किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है भारत को। तो दोस्तों अब देखने वाली बात यह है कि अब अगला कदम वहाँ पर क्या उठाया जाता है। अब भारत के जो मंत्री जी जा रहे हैं, इनके जाने के बाद से वहाँ पे क्या कुछ अपडेट होता है, आपको मैं अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।